के अंदर भी एक बहुत बड़े अहदे पर हाफिज साहब है। ये नारा उनके लिए भी लग सकता है, लेकिन शर्त यह है कि पहले मुहाफिज़े फलस्तीन बनना पड़ेगा, और इससे जोर से लग सकता है। और पाकिस्तान के हर गली कूचे में, सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरे आलम इस्लाम में लग सकता है। लेकिन शर्त यह है कि उसके लिए पहले फलस्तीन की हिफाजत के लिए अमली इकदाम करने पड़ेंगे, और हमेशा गैरों को खुश करने के लिए खुद यहाँ के वो टाउट किस्म के लोग चर्चों की दीवारों को आग लगाकर उसका इल्जाम धरते हैं तहरीक लब्बैक के सर पर, और फिर वो मोमबत्ती माफिया। आज का दिन मैंने सोचा हुआ था मैंने किसी को कुछ नहीं कहना, इसलिए कि आज हम खुसूसन मैंने अपने जाती तौर पर हम सिर्फ फलस्तीन के काज के लिए आए हैं, कोई और मकसद नहीं है, सिर्फ फलस्तीन के काज के लिए आए हैं, बैतुल मुकद्दस के काज के लिए आए हैं। आज उनको भी माफी देता हूँ, जाओ उन लिबरल्स को भी माफी देता हूँ जिनकी हर किस्म की तारीफ लोकदार चीजें और जनाब मीडिया और उसके ऊपर बैठकर एंकर सारे हर वक्त तहरीक लब्बैक के ऊपर कानो तशनी करते हैं। मैं कहता हूं आपका हक है, आप हमारे बारे में जो कहो, लेकिन आपसे इतनी गुजारिश है कि आज आपको गजा के अंदर बच्चों के चीथड़े उड़ते नजर नहीं आ रहे, क्या आपको फलस्तीन के अंदर जनाब बेटियां लुटती नजर नहीं आ रही, क्या आपको बेघर होते हुए इंसान नजर नहीं आ रहे, क्या आज आपको सबक भूल गए हैं कि एक इंसान का कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल है। आज वो सारे इंसान कहाँ हैं भाई, आज भी गौर कर लो, कुरान कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन्नसारा औली